This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. A18 खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में लॉकडाउन ना करने का फैसला किया। केसीआर ने बताया, माजी की तजुर्बियात और रियासती माशियात पर गौर करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासत में लॉकडाउन नाफिज ना करने का फैसला किया। केसीआर ने मजीद बताया कि दीगर रियासतें जिन्होंने लॉकडाउन नाफिज किया है, उन रियासतों में लॉकडाउन के बावजूद कोविड केसेस में कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई। केसीआर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन ना करने वाले फैसले की इत्तला दी और मरकज़ से मतलूबा मकदार में ऑक्सीजन, वैक्सीन और रेमडेसिविर इंजेक्शन रियासत तेलंगाना को भेजने का मुतालबा किया। मरकजी वजारत सेहत के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में जुमेरात के रोज़ गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,12,262 नए मामला दर्ज होने और 3,980 मुतासरीन की कोविड से मौत होने की इत्तला दी। क्या हिंदुस्तानी हुकूमत मुल्क भर में कोविड केसेस में इजाफे के पेश नज़र लॉकडाउन करेगी? मरकजी वजारत सेहत ने दुनिया के बदतरीन वायरस करोना के फैलने से बचने के लिए लॉकडाउन को मुस्तरद नहीं किया। चारशंबे के रोज़ मीडिया से बात करते हुए नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल ने कहा कि मुल्क गैर लॉकडाउन के ऑप्शन जेर बहस है। ऐसे वक्त में जब माहिरीन और सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि वो हिंदुस्तान में कोविड-19 की तबाह की दूसरी लहर से टिमटिमाने के लिए एक कौमी लॉकडाउन नाफिज करें। नीति आयोग के मेंबर ने मजीद कहा कि रियासतों को पहले ही मुकामी नाइट कर्फ्यू और इजला में पाबंदियां आयद करने की हिदायत की गई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 17 दिन के वक्फे के बाद आज दोपहर प्रगति भवन पहुंचे। हेल्थ पोर्टफोलियो का चार्ज संभालने के बाद वो कोविड-19 की सूरत हाल पर पहला जायज़ा लेने की उम्मीद करते हैं। डायरेक्टर महकमा सेहत हुकूमत तेलंगाना के खसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक रियासत तेलंगाना में चारशंबे के रोज़ कोविड के 6,026 नए पॉजिटिव केस दर्ज होने और 52 मुतासरीन की कोविड से मौत होने की इत्तला मिली। GHMC में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,115 नए मामला दर्ज हुए। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने जुमेरात के रोज़ बगुलकुंटा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर UPSC में कोविड काउंसलिंग सेंटर पर अचानक पहुंचकर मायना किया और इस मायने में शहर में जारी बुखार का सर्वे का जायज़ा लिया। बुखार के अलामत से मुतासिर अफराद को दिए गए मशवरों और लोगों के दिए जाने वाली मुजमई इलाज की निगरानी की। बुखार के अलामत वाले लोगों को नज़दीकी हॉस्पिटल में खुद टेस्ट करवाना चाहिए और उन्हें फराहम की जाने वाली मुफ्त दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC घर घर जाकर सर्वे कर रहा है और बुखार और दीगर कोविड अलामतें में मुब्तला अफराद की लिस्ट बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मरकजी हुकूमत को हिदायत दी कि लोगों के बीच खौफ और हरस कम करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाकर कोविड की तीसरी लहर के लिए तैयार रहे। मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी BJP के रहनुमाओं और मरकजी वजरा को रियासत में करोना वायरस इन्फेक्शन फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि BJP कायद तकरीबन बाकायदगी से रियासत का दौरा करते हैं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि रियासत में सफ़र करने वाले मरकजी वज़रा को भी मुनफी RT-PCR की रिपोर्ट लानी होगी। ये उसूल खसूसी परवाज़ों पर भी लागू होगा क्योंकि उसूल सब के लिए यकसा हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़रा को हॉस्पिटल में लोगों से मिलना चाहिए, पर BJP के रहनुमा जगह जगह जा रहे हैं और कोविड को फैला रहे हैं।